खोइंछा के रूप में विधानसभा बाजडी से 1,25,000 मत पाऊंगे केतकी सिंह। बलिया में मनियर मंगलवार को नोजा कॉन्वेंट स्कूल छितौनी मनियर में भाजपा एवं निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा एवं निषाद पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती केतकी सिंह ने कहा कि कमल के फूल पर बटन दबाकर यहां की जनता मुझे भारी वोटों से जीत दिलाएगी। पिछली दफा मैं निर्दल प्रत्याशी थी तो लगभग 50,000 वोट का प्यार यहाँ के लोगों को हमें मिला। इस बार 1,25,000 का आंकड़ा पार करूंगे। उन्होंने कहा, सांसद रविंद्र कुशवाहा मुझसे एक बार कहे थे कि तुम मुझसे अधिक वोट नहीं पाओगे। मैं पिछले दफा विधानसभा बांसडी में 1,17,000 वोट पाई थी। इस बात पर मैं केतकी सिंह कही कि आपसे अधिक वोट पाऊंगी क्योंकि वहां की मैं बहू हूं और यहां के लोगों से रक्षाबंधन दिवाली इत्यादि की बधाई खोइंछा के रूप में लूंगी और आपसे अधिक वोट लेकर मैं विजयी बनूंगी। उन्होंने कहा, मेरी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़, जलजमाव एवं कटान की विकट समस्या है। इसे दूर करने का मैं प्रयास करूंगी तथा हमारे क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षा के लिए शहरों में जाना पड़ता है, इसके लिए मैं शिक्षा की व्यवस्था करूंगी। इस मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ रही हूं। मैं उस दल की प्रत्याशी हूं जिसके राजा निषाद राज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की नैया को पार लगाया था। मैं एक साधारण महिला हूँ, वह तो मेरी नैया आसानी से पार लगा देंगे। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया। इस बार तो आपको राम को नाव से पार करने वाली पार्टी भी आपके साथ हो गई है। मैं निषाद पार्टी की ही प्रत्याशी, ये सीट निषाद पार्टी के गठबंधन की सीट है। मैं इनकी प्रत्याशी हूँ निषाद पार्टी की, पर मेरा सिंबल मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कमल का फूल। उम्मीद है कि इस बार आपका नैया पार कराएंगे। 100% अभी तो आए हैं श्री रामचंद्र जी की, जब नैया इन्होंने पार लगा दी तो मैं तो चरणों की धूल तक नहीं रामचंद्र जी, तो मेरी तो नैया ऐसे ही पार हो जानी है। पीछे पीछे अंतिम सवाल, आप विधानसभा चुनाव बांसडी के जो लड़ रही हूँ, क्या मुद्दा होगा आपका? देखिए, मुद्दे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं चाहती हूँ कि हर मीडिया कर्मी यह प्रश्न पूछे और जब प्रश्न पूछे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। मेरे जो मुद्दे हैं वो प्रमुख ये है कि मेरा विधानसभा घिरा हुआ, दियर के इलाकों का घिरा हुआ विधानसभा सरजू नदी से प्रभावित है, तो यहाँ कटान की समस्या, जल जमाव की समस्या और बाढ़ की समस्या, इन सारी समस्याओं से हमारी विधानसभा घिरी है। तो सर्वप्रथम हम प्रयास करेंगे कि इन सब चीज़ों पे हम काम करें, और चूंकि मैं महिला हूँ, मेरी स्वयं की दो बेटियाँ हैं, इसलिए मैं रिलेट कर पाती हूँ अब कि महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी और उत्तम व्यवस्था हो, दियर तक व्यवस्था हो, उसकी बारे में मैं पूछा। धन्यवाद आपको।